नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली जीत ली और इस जीत की सबसे बड़ी वजह है फ्री की स्कीम। इसीलिए दिल्ली वालों को फ्री की आदत लगाकर चुनाव जीतने वाले केजरीवाल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक के निशाने पर, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल की जीत को मुफ्त की राजनीति मान रही। मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक तो केजरीवाल की जीत पर इस कदर भड़क गए कि जुबानी मर्यादा तक लांग गए और केजरीवाल सरकार को बेईमानों की सरकार बता दी। मुफ्त की राजनीति मोदी लहर पर पड़ी भारी। केजरीवाल ने फिर जीत ली दिल्ली सारी। बीजेपी विधायक बोले, फिर आए बेईमान की बारी। फ्री की स्कीम बांटकर अरविंद केजरीवाल जहां फिर से दिल्ली की सत्ता में लौट आए, तो वहीं दिल्ली की जनता ने भी बता दिया कि उन्हें शाहीन बाग, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों से कुछ मतलब नहीं, उन्हें बस फ्री की स्कीम बांट दो और सत्ता जीत लो। दिल्ली वालों ने देश की राजनीति को मुफ्तखोरी के फॉर्मूले में ढकेल दिया। बिहार बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको फ्री की स्कीम का लॉलीपॉप देखने को मिल जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इस ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है कि फ्री का बांटो, सत्ता की मलाई चाटो। इसी सियासी ट्रेंड पर पत्रकार सुधीर चौधरी ने चुनावी नतीजों के बाद ट्वीट कर पूछा कि क्या ये भारतीय राजनीति का मुफ्त काल है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक ने तो ये तक कह दिया कि देश हित में काम करने वाले नरेंद्र मोदी को हरा कर दिल्ली वाले पछताएंगे। बेतुके बयान देने में माहिर खतौली विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि दिल्ली में झूठ बोलने वाले बेईमान फ्री बिजली देने वालों की सरकार बनी। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है, क्या कहना है उस पर? और बीजेपी का बिल्कुल ही सूपड़ा साफ हुआ। हाँ, आम आदमी की सरकार नहीं बननी, वहाँ पर बेईमानों की सरकार बननी है, वहाँ झूठ बोलने वालों की सरकार बननी है, वहाँ फ्री बिजली देने वालों की सरकार बनी है। देश के जो हित की बात करने वालों को हरवा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने। जो देश के लिए काम किए उनको लोगों ने भुला दिया, ये लोग आगे पछताएंगे। हम फिर भी सरकार ने जो निर्णय लिया है हम उसका एक तरह से सम्मान करते हैं। देख साहब, कहीं ना कहीं हम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बहुत सुविधाएं दी, जैसे बसों में फ्री देना, बिजली पानी सब कुछ फ्री देना, तो क्यों बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं? सड़कें टूटी पड़ी वहाँ पर, फ्री फ्री दे दिया, बाद में चिल्लाएंगे लोग, बाद में जब बिल बढ़कर आएंगे कहाँ से केजरीवाल कहाँ से देंगे भाई? उन्हें घर में नोट बनाने की मशीन है क्या? कोई पेड़ ऐसा है क्या जो पैसे झड़ते हों वहाँ से? सब जनता के बीच से ही तो निकाल लेंगे ना वे। ज़्यादा टैक्स लगेगा, विकास कार्य नहीं होंगे, बस फ्री बिजली चलाओ जाओ, वाईफाई फ्री इस्तेमाल करो जाओ, बाकी विकास होंगे नहीं। यूपी चुनाव में मुफ्तखोरी का राजनीतिक फॉर्मूला अपनाने के सवाल पर विक्रम सैनी ने कहा कि यूपी में बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीत सकता, यहाँ के लोग देशभक्त हैं, यूपी के लोग लालची नहीं है, दिल्ली के लोग लालच में आकर वोट दे गए फ्री में। यूपी में तो भैया यहाँ पर आप क्या कोई भी बीजेपी के अलावा जीत नहीं सकता, यहाँ के लोग देशभक्त हैं। उत्तर प्रदेश के जो देहात है ना, उनके दिमाग में देशभक्ति है, उनके दिमाग में हिंदुत्व है, उनके दिमाग में देश को आगे बढ़ाने की एक सोच है। यहाँ फ्री खाने वाले नहीं हैं। हमारा किसान कभी मांग करता है क्या फ्री बिजली दो? हमारे गांव के कभी लोग फ्री की बात नहीं करते। हमारे गांव के लोग कहते हैं हम बिल देंगे तब इस्तेमाल करेंगे। ईमानदार लोग हैं हमारे, ईमानदार वहाँ के लोग भी हैं, लेकिन लालच में आ गए। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता लालच में आई है, लालच में आ गई फ्री के लालच में। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी विवादित बयान देने के लिए मशहूर है, वो जब भी बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। केजरीवाल सरकार को बेईमानों की सरकार बताने वाले सैनी ने इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि राहुल गांधी को राजनीतिक मानसिक बीमारी है, इस बीमारी का इलाज जनता करेगी, डॉक्टर के पास राहुल गांधी की बीमारी का इलाज नहीं है। तो वही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बोल रही प्रियंका गांधी के खिलाफ भी विवादित बयान देते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी पत्थरबाजों के घर घूम रही है और कह रही हैं कि कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। LMF न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी शुरू से जीतते आ रही और जीतते रहेगी और 5 साल और जो आने वाला है उसमें भी जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि देखिए पब्लिक के पीछे वो चल रही है,
पब्लिक को लेके चल रही है और आगे अगर ऐसे ही करते चले तो उनको आगे भी हम लोग मत देने के लिए तैयार। बड़ी खुशी की बात है कि केजरीवाल जी जो है ने जो मेहनत करी थी वो दिल्ली वासियों ने मतलब पसंद करी है। उस मेहनत को जो भी काम किए उन्होंने जितना मतलब उन कर सकते थे वो काम उतना काम उन्होंने किया है और आगे हम चाहेंगे कि आगे भी वो दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करें और 5 साल को इस तरह कर दें कि आने वाले और 5 साल उनके बने। और आम जनता है नौकरी बेरोजगारी करप्शन इन सब चीज़ों पे काम करे और बिजली पानी की जो उन्होंने कहा कि भी हम आगे भी सुविधा देंगे महिलाओं को सुविधा देंगे आगे बसों में और मेट्रो फ्री कराएंगे और भी बहुत सी योजनाएं जो उनकी हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान तो इस तरह की अगर बातें अगर वो कंप्लीट करते हैं अपनी बात को अपनी बात पे अगर कायम रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल लोगों के लिए अच्छे बीतेंगे दिल्ली वालों के लिए और उम्मीद भी है उनको उनसे लोगों को। नहीं देखिए सर ऐसा है कि मुफ्तखोर वाली बात एक अलग है लेकिन क्या होता है कि एक गरीब आदमी है ना उसका अपना बजट होता है तो अगर उसके बजट में अगर उसको कुछ फ़ायदा होता है तो वो चाहता है कि ऐसी सरकार आए जिसमें मेरा बजट थोड़ा सा सुधरे। हर आदमी चाहता है इस चीज़ को। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे जो ट्वीट किए हैं? नहीं सुधीर चौधरी जी वैसे एक अच्छे बड़े पत्रकार हैं समझदार पत्रकार हैं और उन्होंने भी कहते यही कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी ही का रुझान ज़्यादा है क्योंकि जनता भी देखती है क्योंकि बीजेपी का हारने का कारण क्या है बीजेपी हारने का कारण क्या कि 20 साल से तो बीजेपी है नहीं कहते दिल्ली में तो बीजेपी किस मुद्दे पर कहते हैं जो है चुनाव लड़ेगी। अच्छे विकास पे जीती है काम किया है उसने बढ़िया लोगों को शिक्षा बढ़िया है स्वास्थ्य बढ़िया किया है पानी बिजली सब बढ़िया है जी और जो कहते हैं ना कि मुफ्त मुफ्त तो वो खा रहे हैं जो नेता बैठे हैं। आम आदमी जीती है काम का जो उसने जितना काम किया दिल्ली में अपने विकास के उस मुद्दे पर जीती है और पहली बार ऐसा हुआ है प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीते जो कि अपने काम काज पर अस्पताल उसने अच्छे करे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया आप फरिश्ते योजना लाए बहुत सारी योजनाएं जिससे आम आदमी पार्टी इतने सारे काम कर दिए उसको जीतना ही था। उम्मीद ये है कि आगे जो कामों पर ना जो लोगों को बिजली पानी वगैरह पूरा फ्री देने का है उसका एक रुझान देखा जाएगा कितना फ्री देते हैं क्या करते हैं। आप दिल्ली में पूरी बहुमत से उनकी सरकार आई है क्या कहना चाहते हैं पता लग जाएगा उसका। और दिल्ली की जनता मुफ्तखोर हो गई है अब देखो अब क्या कहते हैं आजकल तो हिंदुस्तान में यही है जहाँ फ्री मिलेगा वहीं लाइन लग जाती है ऐसा कोई वो नहीं है वैसे ही उनका भी चौरा बाकी देखते हैं आप 5 साल के राज में क्या करते हैं क्या नहीं करते पब्लिक कितनी खुश रहती है उनसे ये चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए ये जो जीती है दिल्ली सरकार ये ईमानदारी पे जीती है ठीक है काम पे जीती है। बेरोज़गारी जो हमने आवाज़ उठाई थी वो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम केजरीवाल को जिताए ठीक है और हमें इस चीज़ को सहयोग करना चाहिए कि ऐसे ही ईमानदार पार्टियों को और भी जगह और राज्य में भी हम दें काम के ऊपर वोट दें अपना। ये मुफ्त खोरी नहीं है ये जनता का सेवा है। जो प्रधान होता है वो क्या क्या होता है जनता के लिए होता है जो जनता को हम जितना हो सके सेवा दें उसको जो कर होता है हम कर देते हैं उसका हमें लाभ मिलता है वो मुफ्तखोरी नहीं है। ऐसे लोग को क्या कहना चाहिए? देखिए ये एक मुद्दा है अपना एक मुद्दा आदमी एजेंडा लेके उठता है कहता है ये गलत है सियासत है ये मुफ्तखोरी नहीं है। इसमें तो मीडिया बिकी हुई है मीडिया जी न्यूज़ वाले ने दिखाया ये पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब गलत है हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आम आदमी की जीत हुई है दिल्ली सरकार ये बता दिया है पूरे दिल्ली वासियों को साथ साथ पूरे देशवासियों को कि काम बोलता है और काम बोलता है और काम बोलने पर ही दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। कुछ लोग इसे मुफ्तखोरी की जीत कह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या सही में दिल्ली जनता मुफ्तखोर है? देखिए जो ईमानदार सरकार होती है वो ईमानदारी से काम करती है और जो ये RSS के लोग हैं इनको ये चीज़ लगे कि मुफ्तखोरी है जिनको मुफ्तखोरी लग रही है वो इस मुफ्तखोरी को छोड़ दें त्याग दें वो बिजली का बिल फ्री ना ले पानी फ्री ना ले। हम उनसे आवाज़ उठा कहेंगे मोदी जी और अमित शाह जी जिनको ये मुफ्तखोरी लग रही है आप दिल्ली की जनता ये मुफ्तखोरी और जातिवाद की बात नहीं करेगी वो बात केवल करेगी तो वो
केवल विकास की और देश की तरक्की की बात करेगी।